और आज मैंने निकाल रहे अपने कुछ ज्वेलरी के बॉक्सेस, ये मैंने बहुत टाइम से ओपन नहीं किए थे और इनमें मतलब पुराने ही सारे, मैंने नए बीच में लिए भी नहीं, तो आज मैं देखती हूँ कि कौन से मेरे काम के और कौन से नहीं है। जो मेरे काम के नहीं होंगे मैं हटा दूँगी। मतलब महीने ही हो गए मैंने निकाले भी नहीं, लास्ट मैंने 1-2 महीने पहले शायद ओपन किया था क्योंकि मुझे कोई शादी में जाना था तो मैंने कुछ ईयरिंग्स पहने थे उनमें से। तो आज मैं देखती हूँ भी क्या क्या है। ये है कुछ ईयरिंग्स और ये मैंने काशु के बर्थडे के टाइम पे लिए थे फेक नेल्स और मैंने एक ही बार यूज़ किए तो इनकी क्वालिटी कुछ खास नहीं है तो मैं हटा दूँगी क्योंकि मैंने एक बार पहने और इनमें जैसे ही नेल पॉलिश लगाई तो ये मतलब टूटने लग गए, जैसे कहीं टकरा रहे थे टूट जा रहे थे। तो ये मेरे किसी काम के, फिर मैं रख देती हूँ शायद अगर इन फ्यूचर मेरे काम आ जाए अगर ठीक रहा, क्योंकि इनमें बहुत सारे हैं, फेंकने का मन तो मेरा कर नहीं रहा है। तो देखते हैं। तो पहले सबसे बड़ा वाला बॉक्स मैं ओपन करती हूँ। तो इनमें क्या क्या है, तो सबसे पहले इसमें है एक ब्यूटीफुल सा मांगते का जो मैंने पहना था लास्ट करवा चौथ पे, तो ये तो नया ही है, मैंने लिया था मतलब कुछ महीनों पहले। और ये माथा पट्टी, ये भी नए हैं, ये कुछ ज़्यादा पुराने हो गए तो ये मैं हटा दूँगी। इसमें ग्लू पता नहीं क्या दिख रहा है ये, और ये हैं, ये भी ठीक है, काम आ जाएंगे। तो मैं सब नीचे रखती हूँ, जो जो काम के हैं मैं इस बॉक्स में वापस रख दूंगी। इसमें मेरे कुछ पता नहीं क्या, मैं भूख में करके दिखाऊंगी। ये इयरिंग्स भी मेरे बहुत ज़्यादा पुराने हो गए, मतलब मैंने शादी फर्स्ट ईयर जब मेरी शादी हुई थी फर्स्ट ईयर टाइम पे लिए, तो मुझे देख के बड़े अच्छे लग गए थे तो ये भी मैं रख देती हूँ। मुझे अच्छे अभी मुझे अच्छे लगते हैं। इसका दूसरा पैर, दूसरा पैर कहाँ गया, ये। और ये कुछ मेरे पायल हैं जो कि चांदी के नहीं है, नॉर्मल है, तो ये मेरे को एलर्जी हो जाती है इनसे, तो मैंने एक ही बार पहने थे। गर्मियों में तो मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, ठंडियों में तो मैं फिर भी पहन लेती हूँ, गर्मियों में तो मेरे को बहुत एलर्जी होती है, तो मैं इनको हटा इनको मतलब रख देती हूँ, कभी काम आ जाएंगे। और ये इयररिंग्स तो मेरे नए हैं, फंस गए, ये तो मेरे नए हैं। और इनके साथ का मांग टीका, ये उसके साथ की ज्वेलरी शायद इसके अंदर है, ये जो दिख रहा है गले का सेट, तो ये दो भी अच्छे हैं। मतलब मुझे लग रहा है मैं सभी, एक ही टूट गया है मेरा, ये भी नया है ये मेरा, ये इसका पेयर। और यहाँ पे मैंने अलग अलग करके रख लिए हैं, ये मेरी कुछ रिंग्स हैं, पुरानी हैं बट अच्छी हैं, मतलब मुझे तो अच्छी लगती है। ये ग्रीन कलर की मेरी फेवरेट है, मैंने बहुत बार पहनी है। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी तो इसमें 4 रिंग्स आई थी, एक टूट गई, तो ये 3 है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगती है, ये तो मेरी फेवरेट है हमेशा। और ये मेरी चांदी की पायल है, ये मैंने अभी उतार के रखी क्योंकि मेरे को बीच में ना पैर मतलब कट गया था, मुझे इचिंग जैसी फील हो रही थी तो मैंने निकाल दी थी, अब मैं पहनूंगी। और ये पता नहीं इनको क्या कहते हैं जो इयररिंग्स के पीछे लगाते हैं, वो है मेरी रिंग्स हैं, ये कुछ पुरानी इयररिंग्स है, मतलब बहुत पुरानी है, भी मेरी शादी से पहले ली थी आई गेस मैंने, पर मुझे अभी भी अच्छी लगती है, काम आ जाएगी शायद। और ये है टॉप्स टाइप में, इसका एक वो निकल गया तो इसको मुझे हटाना ही चाहिए, अब इसको हटाओ। ये भी हैं शॉर्ट, अगर छोटे कभी मुझे पहनने हो तो सूट वगैरह के साथ, ये भी हैं। और ये मिरर वर्क में है, ये भी छोटे से। और एक ये रिंग है जो मैंने शादी के टाइम पे ली थी, इसका भी ये मोती निकल गया, पर मुझे फिर भी इसको फेंकने का मन नहीं कर रहा है अभी, अब तो फेंक ही देती हूँ। और इसके अंदर कुछ, अच्छा ये बिच्छू है, ये भी आर्टिफिशियल है तो ये भी मैं पहनती नहीं हूँ, वैसे रखे हुए। और एक ये रिंग है, इतना सामान तो मेरा इसमें से निकल चुका है, अब ये दूसरा बॉक्स में ओपन करती हूँ। ये जो मैंने इयरिंग्स आपको दिखाई थी उसके साथ का नेक पीस है, ये भी अच्छा लगता है कभी कुछ फंक्शन हो तो, मतलब थोड़ा हैवी जैसा मुझे लगा क्योंकि नॉर्मल हम नहीं पहन सकते, कोई ऐसा फंक्शन होगा घर वर का तभी पहन सकते हैं। और एक ये इयरिंग्स हैं, ये इयरिंग्स मेरी मम्मी के हैं, मेरे पास ही रह गए। और ये भी बहुत पुराना है, आपने मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ मतलब अगर कोई इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि ये भी बहुत पुराना है, इसका कलर भी थोड़ा फेड हो चुका है पर फिर भी अच्छा लगता है मेरे को, ये भी मैं रख देती हूँ।
तो ये तो ठीक था। तो ये दो बॉक्स मेरे हो चुके हैं, तो ये सामान मैंने निकाल दिया है और ये मैं रख देती हूँ, ये भी काम आ जाएगा बाद में। और मैं ना इतना बाहर जाती नहीं हूँ, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, कुछ कंटेंट बताइए जिस पे मैं वीडियो बना सकूँ, तो मतलब जिस पे मैं बना सकती हूँ जो पॉसिबल है, तो वो बताइए, तो घर पे रह के तो मैं वो बनाऊँगी।